हमने प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, जो हमने पार्ट्स क्रिएट कर रखे हैं वो अब ऐसे तो नहीं होगा। ये पार्ट्स क्रिएशन मतलब क्या हुआ कि किसी साइट पे हम गए और वो पार्ट्स मार्केट से खरीद लिए। अब वो हमारा कहीं पे तो किसी पोजीशन पे स्टेबल किया जाएगा यानी रखा जाएगा। तो वो जो पोजिशनिंग होती है उसे हम एबेकस में असेंबली कहते हैं, कि जो हमारा बिल्डअप सेक्शन है वो किस तरह से क्रिएट होने वाला है। ठीक है, जो हमारा आई सेक्शन एम्बेडेड है कंक्रीट के अंदर, तो वो हम उस इसमें बताने वाले हैं कि जो कंक्रीट के अंदर वो कॉलम आई सेक्शन आएगा वो किस तरह से आएगा, किस पोजीशन पे होगा, वो हम असेंबली में बताते हैं। तो आइए हम असेंबली सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम इंस्टांस लेंगे और जैसे था स्टिरअप्स एंड ओके। ठीक है, स्टिरअप्स ले लिया। सेकंड में हमें क्या लेना है, अपना रेनफोर्समेंट लेंगे। ये ऑटो ऑफसेट ऑन रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारा ओवरलैप हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। ठीक है, तो हम इसे ऑटो ऑफसेट ऑन रख के ओके करते हैं। अब ये जो रेनफोर्समेंट है इसे हमें क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। रोटेट हम कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं एग्जांपल की तरह ये पेन लूँ, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये पेन अभी ऐसे है। ठीक है, अब इसे रोटेट करना है हमें 90 डिग्री इस तरह। तो हमें एंगल तो मिल गया, 90 डिग्री रोटेट करना है। ठीक है, लेकिन किस एक्सिस पे करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो क्या होगा कि अगर हम इसको ऐसे लें कि ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर मेरा भी पेन है, हमें जो रोटेट करना है यूँ करना है, मतलब मेरा एक्स और जेड एक्सिस तो सेम रह जाएगा और वाई के अलोंग मेरा रोटेट हो रहा है। ठीक है, अगर वाई को हम एक स्क्रू माने जो पिन है, तो इसके अलोंग ऐसे रोटेट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वाई के अलोंग रोटेट करना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हमारा रोटेट वाला इंस्टांस पे जाएंगे और इस इंस्टांस को सेलेक्ट करके डन किया। आप चाहें तो इस रेनफोर्समेंट को रोटेट कर सकते हैं या पूरा ये स्टीरअप्स को ही रोटेट कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, तो दोनों को हमें क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग ही करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमें पूछता है स्टार्ट पोजिशन, तो हम 0 0 0 रहने देते हैं और करना है वाई अलोंग, तो 1 0 1 0 ये डालने के बाद क्या हो गया, वाई एक्सिस सेलेक्ट हो गया। एंटर किया, एंगल पूछ रहा हमसे रोटेशन का, 90 डिग्री दिया, ओके। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि इसको एक बार जो है ना पोजिशन पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा पोजिशन वाला टैब बंद है, तो हम टूल्स में जाएंगे और ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे व्यू मैनिपुलेशन तो अभी कैसे ही रह देते हैं, मैं सॉलिड वर्क कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, इसमें एक होता है हमारा कस्टमाइज, इसमें व्यूज़ है। ठीक है, व्यूज़, हाँ व्यूज़, व्यूज़ को ऑन करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जिसमें व्यूज़ ऑन करने से क्या हो जाएगा कि अब हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंगल जो भी हमारा है। तो अब आपको दिख रहा होगा क्या कि ये तो रेनफोर्समेंट हमारा सीधा सीधा खड़ा है और नीचे में ये आपको दिख रहा है स्टीरअप्स। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस रेनफोर्समेंट को इस स्टीरअप के कॉर्नर पे लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसलेट इंस्टांस का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट इंस्टांस अब हमसे पूछ रहा है कौन सा ट्रांसलेट करना है, इसको करना है डन, और ये हमसे स्टार्टिंग पूछ रहा है तो हम ये चूज़ किया, एंडिंग पूछ रहा है हम ये चूज़ किए, ये हमारे रेनफोर्स यहाँ आ गया। अब ये पूछ रहा है पोजिशन सही है, हम बोलेंगे येस ओके। ठीक है, नाउ अब हमें इस ये जो रेनफोर्समेंट ये चारों कोना पे लेना है। अब आपके पास दो अप्रोच है, या तो इसको हम लीनियर इसकी मदद से पैटर्न की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चारों कोना पे दे सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि 3 बार और सेम तरह से रेनफोर्समेंट डालेंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे, फिर पोजिशन करेंगे। तो आपको अभी तक इस बात से ही समझ में आ गया होगा कि ईजी कौन सा है, बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है पहले के वीडियोज़ में, तो आपको इतना ये नहीं होगा कि कैसे है। ठीक है, प्रीव्यू ऑन रखिएगा तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ऑफसेट 180 एंड इधर भी 180। 180 क्यों किया, क्योंकि जो हमारा वो था, आप रोटेट करके देख सकते हैं कि चारों कोने पे आ गए हैं, जो हमारे स्टीरअप का डिस्टेंस था 180 का था, एंड ओके। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमें स्टीरअप्स को स्पेस के साथ प्रोवाइड करना है, तो हम स्टीरअप सेलेक्ट करेंगे सारा पूरा का पूरा। ठीक है, स्टीरअप सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम लीनियर पोजीशन लिया, ये स्टीरअप सेलेक्ट किया, डन किया।
अब इसमें 180 नहीं, हमारा स्पेसिंग था 120 का, और एक साइड नहीं होगा, ये होगा। और जो डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन हम ये चूज़ करेंगे तो ये अलॉन्ग ले लेगा कि किस डायरेक्शन में हमें देना है। ठीक है, 120 का स्पेसिंग था, हम ये नंबर इंक्रीज़ करेंगे, और ये कितना जाएगा, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 जाएगा, एंड देन देन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर स्पेसिंग रह गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आगे पुश भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोऑर्डिनेटिव वगैरह हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम अभी एज इट इज़ ऐसे रहने देते हैं, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। तो हमारा एक तरह से आपको देखने को दिख रहा होगा कि क्या हो गया, हमारे स्टीरअप क्रिएट हो गया, एंड जो रेनफोर्समेंट है वो आपस में बाइंड हो गया। ठीक है, बाइंड अभी नहीं हुआ, अभी बस हमने पोजिशन दे दिया है। अब क्या हो गया कि ये हम रोटेट करते हैं ऐसे, तो उसके लिए ये व्यू टैब था कि व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कौन से इससे देखना है वो दिख जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये डायग्राम ऐसे प्रॉपर वे में क्रिएट हो गया, और जिस भी व्यू में देखना है। ठीक है, अब हमें थर्ड इंस्टांस क्या करना है, आई सेक्शन को। ठीक है, एंड ओके ये ऑफसेट। तो आई सेक्शन को देने के लिए सबसे इजी मेथड बताता हूँ, मेथड क्या आपको खुद समझ में आ जाएगा, कि अगर मैं इस रेनफोर्समेंट का एक सेंटर पॉइंट लूँ, ठीक है, और इस आई सेक्शन का सेंटर पॉइंट लूँ और दोनों को कॉन्साइड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेंटर पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे है डेटम पॉइंट। ठीक है, और इसमें जो है ना लॉन्ग प्रेस करने पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मिडवे बिटवीन। तो इसमें क्या होता है कि आपको बस दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करने होते हैं, और उसके सेंटर पे एक आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक पॉइंट सेंटर पॉइंट आ गया। सिमिलर वे में मैं क्या करूँगा, इधर भी ये सेम लूँगा, ठीक है, इस सेम को चूज़ करूँगा और इसके मिड में ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है, इसके मिड में एक बिट पॉइंट। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, एस्केप करने पे सारे फीचर्स रिलीज हो जाते हैं, देन मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा। तो इस ट्रांसलेट इंस्टांस पे जाऊँगा। अब पहला ऑब्जेक्ट जो चूज़ करना होता है वो होता है किसे मूव करना है। ठीक है, तो मुझे आई सेक्शन मूव करना है। ठीक है, डन किया। अब आई सेक्शन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उन सबको मूव करूँगा तो सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या मैं इसको उधर ले जाऊँ या उसको इधर लाऊँ, बात तो एक ही है मेरे लिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं ले लेता हूँ ये वाला, इसका मिड पॉइंट, और एंड पॉइंट हो जाएगा ये वाला मिड पॉइंट। आई गेस मैंने दो बार क्लिक कर दिया एक ही जगह पर, तो मैं वापस से कर लेता हूँ, ट्रांसलेट दिस, डन। स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा मेरा ये वाला, और एंड पॉइंट हो जाएगा ये वाला। तो आपको आई सेक्शन सेंटर में आ गया, ये पूछ रहा पोजीशन सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मेरा आई सेक्शन अंदर आ गया। ठीक है, सिमिलर वे में अब मुझे क्या करना है, लास्ट कॉन्क्रीट को इंटर करना है, एंड ऑफसेट अगर बंद कर दूँ तो, कभी कभी क्या होता है ऑफसेट बंद करने पर आप ओवरलैप हो जाता है। वो ओवरलैप कैसे होता है, याद है मैंने बताया जब हम ग्रिड क्रिएट कर रहे थे तो मैंने बोला था कि अभी सेंटर नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने उस वक्त सेंटर पे किया होता, ठीक है, जो कि मैंने नहीं किया, अगर सबको सेंटर पे किया होता तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे ही बिना ऑफसेट का मुझे दिखता। ठीक है, देन ओके करेंगे। तो अब क्योंकि मुझे ये सेंटर पे लाना है, तो मैं फिर से यहाँ इस कॉन्क्रीट का एक मिड पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं ट्रांसलेट कर लूँगा, डन किया, इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को। ठीक है, एंड पॉइंट आई मिस्ड अप। ठीक है, मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ ट्रांसलेट, इसको सेलेक्ट किया, डन किया, ये मुझसे पूछ रहा है पहला वाला पॉइंट, मैंने बताया ये वाला पॉइंट, पूछ रहा है एंड पॉइंट, मैंने दिया ये वाला पॉइंट, एंड आपको दिख रहा होगा कॉन्क्रीट ये आ गया, एंड ओके। तो अब बेसिकली क्या दिख रहा है, इस वायर फ्रेम के अंदर मेरे पास आई सेक्शन आ गया, ये सारे स्टीरअप्स आ गए, ये आ गया। हो सकता है कि आपको क्या हो कि सॉलिड फॉर्म में दिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो व्यूज़ है ना, इसमें मैंने चेंज कर रखा है ये वायर फ्रेम, आपको ऐसा दिख रहा होगा कुछ, ठीक है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आप यहाँ जा सकते हो ऊपर में, रेंडर मॉडल वायर फ्रेम, और यहाँ पर मेरा वायर फ्रेम के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ये देखने में ईजी हो जाएगा क्योंकि हमें आर पार सब दिखता है, और ये हो गया मेरा। ठीक है, आई सेक्शन आ गए,
रेनफोर्समेंट आ गए, सब चीज़ आ गया, मेरा असेंबली तैयार है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा कि इसके स्टेप नहीं होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे, स्टेप को हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। इंटरेक्शन में क्या करेंगे, अब इंटरेक्शन में क्या होता है कि हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में इंटरेक्शन ही है, उसमें क्या करेंगे कि आई सेक्शन को कॉन्क्रीट के साथ एम्बेडेड, रेनफोर्समेंट जो हमारा सारा है उसको एम्बेडेड कंक्रीट के साथ, जो स्टीरअप से वो एम्बेडेड होगा, स्टीरअप स्टील के साथ आपस में कनेक्शन होगा, वो सारे कनेक्शन हम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ का, किसी भी पार्ट्स को हम असेंबल कैसे करते हैं एबेकस के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर पोजिशनिंग गलत हो गई तो हमारा रिजल्ट भी डिफर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे कि अभी जो ये पोजिशनिंग हुई है ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, जिसको हम इंट्रैक्शन कहते हैं एबेकस के भाषा में। मतलब हम एबेकस को बताएंगे कि वो किस तरह से आपस में लिंक्ड है। ठीक है, आप आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।